सेवन थिंग्स यू कैन डू टू कन्विंस योर फैमिली फॉर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। हेलो नमस्ते। आई नो लास्ट वीडियो को पोस्ट किए 4 महीने हो चुके हैं एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और रेगुलरली पोस्ट करूँ। और आज हम बात करेंगे अबाउट अ टॉपिक जो हर स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनली, और वो है फैमिली सपोर्ट। कई लोगों को फैमिली सपोर्ट से मोटिवेशन मिलती है और कई लोगों को क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो उनको गलत प्रूफ करने से मोटिवेशन मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप शायद फैमिली का पर्सपेक्टिव अपने बिजनेस या स्टार्टअप की तरफ और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। सबसे पहला है टॉक इट आउट। टॉक लाइक अ स्टार्टअप डेक टॉक्स। जब आप अपने स्टार्टअप के बारे में फैमिली से बात करते हैं तो उसी तरह प्रेजेंट करें जैसे आप इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। क्लियर, कंसाइज और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दें। बिजनेस मॉडल, एक्सपेक्टेड ग्रोथ और रिस्क फैक्टर्स को समझाएं। उन्हें दिखाएं कि आपने रिसर्च और प्लानिंग की है। दूसरा है एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। अक्सर आप ऑलरेडी जानते हैं कि फैमिली के सपोर्ट ना करने के मेजर कारण क्या हो सकते हैं, सो पहले से ही उन बातों को एड्रेस करो सो दैट उनके बिना बोले ही आप ऑलरेडी एक बैलेंस प्लान के साथ रेडी हैं। अगर उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंता है तो दिखाएं कि आपने इसे कैसे मैनेज करना का प्लान बनाया है। तीसरा है योर बिजनेस इज देयर बिजनेस टू। परिवार को ये समझाने में मदद करें कि आपका बिजनेस उनका भी है। उनके सहयोग और सलाह के बिना आपका बिजनेस मुश्किल से चल पाएगा। उन्हें महसूस कराएं कि उनका समर्थन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। शायद आप उन्हें कुछ छोटे रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं जो उन्हें इन्वॉल्व फील कराएं। चौथा है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अश्योर देम, उन्हें बताएं कि आप अपने डिसीजंस और एक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं। ये डर को कम करने में मदद करेगा कि आप कहीं इररिस्पॉन्सिबली रिस्क तो नहीं ले रहे हैं। फिफ्थ है गो विद अ प्लान। एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान लेकर उनके सामने जाएं। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, मार्केट एनालिसिस, कंपेटिटिव लैंडस्केप और ग्रोथ स्ट्रैटेजी को क्लियरली आउटलाइन करें। जब उन्हें दिखाई देगा कि आपने सब कुछ पहले से ही सोचा हुआ है तो उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। सिक्स्थ है ट्रस्ट इज द की। ट्रस्ट बिल्ड करना और मेंटेन करना जरूरी है। फैमिली को दिखाएं कि आप कंसिस्टेंट और कमिटेड हैं। रेगुलर अपडेट्स और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स शेयर करें ताकि उन्हें लगे कि आप अपने वर्ड्स को एक्शंस में भी बदल रहे हैं। सेवंथ है लिसन टू देयर पर्सपेक्टिव। सिर्फ अपनी बात कहना ही काफी नहीं होता, उनके कंसर्न्स और सजेशंस को ध्यान से सुनो और उन्हें वैलिड और इम्पॉर्टेंट मानो। उनके पर्सपेक्टिव से चीजों को समझो और अगर पॉसिबल हो तो उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश भी करो। आप अपने फैमिली का पर्सपेक्टिव बदलने में सफल हो सकते हैं अगर आप उन्हें अपने बिजनेस का हिस्सा बनाएं और उन्हें दिखाएं कि आप कितने कमिटेड और प्रिपेयर्ड हैं। याद रखें, स्टार्ट वेल टू स्टार्ट बिग। विद दीज स्टेप्स आई होप यू फाइंड द सपोर्ट यू नीड फ्रॉम योर फैमिली टू एम्बार्क ऑन योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। गुड लक।